सबरीमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आदेश देगा। दरअसल 9 जजों की संविधान पीठ ये तय करेगी कि क्या पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट सवालों को तय करने के लिए मामले को बड़ी बेंच में भेज सकता है या फिर नहीं। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे धर्म से जुड़े मामलों के साथ जोड़ने पर कुछ वकीलों द्वारा किए गए एतराज को लेकर अपना पक्ष दिया था। उन्होंने कहा था कि 9 जजों की बेंच के समक्ष जो मुद्दा है उसका सबरीमाला मामले और उसकी समीक्षा से कोई लेना देना नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने आगे बताया था कि समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच ने सबरीमाला मामले में पूरे फैसले को बड़ी बेंच को नहीं भेजा था। इसकी जगह धार्मिक परंपराओं से जुड़े बड़े मामलों को बड़ी बेंच के पास भेजा गया। वही सुनवाई के दौरान कानून के सवालों को बड़ी बेंच के पास भेजने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया था। तो अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, धार्मिक मामलों पर सुनवाई है, सबरीमाला एक अहम मुद्दा और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या तय करेगी आज कोर्ट यहाँ पर? देखिए, खासतौर पर सबरीमाला को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश दिया था, केरल सरकार आज तक उसे लागू नहीं कर पाई। महिलाओं के प्रवेश को लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि महिलाओं का भी अधिकार है और वो मंदिर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन अभी भी सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश लगभग पूरी तरह वर्जित है और अभी भी लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, जिसे लेकर कई प्रदर्शन हुए थे। और आज जब जिस तरह से पुनर्विचार याचिका को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा, सबसे बड़ी चीज राज्य सरकार के लिए होगी कि जो पिछले आदेश को अगर लागू करता है तो राज्य सरकार इसे, केरल सरकार कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेगी। दूसरी की चार वकील और ऐसे थे केस में जिन्होंने अन्य धर्मों को भी इससे जोड़ा था। ये मामला जो है वो सिर्फ सबरीमाला का नहीं है, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की बात करें तो खतना भी या दरगाह और मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता। दूसरा, पारसी महिलाएं जो होती है जो अन्य धर्मों के लोगों के साथ शादी कर लेती है, उनका अग्नि में प्रवेश, वो भी इसी मामले से जोड़ा गया था। तो ऐसे कई मामले थे जो कि सबरीमाला के साथ जोड़े वकील जोड़ रहे थे। और कोर्ट जो 9 जजों की संवैधानिक पीठ जो बैठेगी, तो जाहिर तौर पे आज फिर एक बार इस बात पे भी चर्चा होगी कि क्या सारे मामलों की सुनवाई एक साथ होगी या जो सबरीमाला को पर्टिकुलर डिसीजन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश दिया था उसी आदेश को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए, धन्यवाद आपका अमित फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।